अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए डॉलेंस साइड बाय साइड का रिव्यू लेके आए हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। यह डॉलेंस का 650 मॉडल है। इसका साइज 24 क्यूबिक फिट इन्वर्टर सीरीज है और इसका आपको रेफ्रिजरेटर का साइज दिखाऊं, आपको डिस्प्ले करता हूँ। इसके अंदर ये इन्होंने एक्स्ट्रा स्टील रॉड की बॉटल स्टैंड दिया है। शेल्फ इसके अंदर अनब्रेकेबल शेल्फ है। इसके साइड ट्रे देख सकते हैं आप, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेस की साइड में दी हुई है। बास्केट ट्रे दी हुई है, बास्केट ट्रे को फुल कवर किया हुआ है ग्लास शेल्फ से। नीचे की बास्केट को भी ग्लास शेल्फ से कवर किया हुआ है। ये बड़ी बास्केट दी हुई है उन्होंने, एक नीचे 3 बास्केट ये इस साइड पे हैं। और इसके डीप फ्रीज़र का आपको रिव्यू देखें, ये शेल्फ है इसकी, ये एक अनब्रेकेबल शेल्फ है इसके अंदर। और इसके अंदर उन्होंने आइस क्यूब के लिए ये ड्रॉ दी हुई है कि आप इसको बाय इजी इस ट्रे के अंदर आइस क्यूब को ड्रॉप कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये रिमूव हो सकता है, चाहें तो इसको आप बाहर निकाल भी सकते हैं। जैसे ये निकली इसी शीट, ये ऐसे ही बाहर निकाल सकते हैं। इसको शेल्फ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे इसका, ये इसके नीचे आइस बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने, जैसे मीट हो गया, चिकन हो गई, फिश हो गई, इसके अंदर आप रख के इसको बाय हिफाजत रख सकते हैं। ये ऊपर कवर किया हुआ है इसको शेल्फ से, ग्लास शेल्फ से कवर किया हुआ है। और इसका ये इसके अंदर साइड शेल्फ दिए हुए हैं, चार शेल्फ साइड में दी हुई है। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि इसकी शेल्फ निकल जाते हैं बाहर, इसको वॉश करने में आपको ईजी रहेगा साफ़ करने के लिए। इसी तरह इसके रेफ्रिजरेटर के अंदर भी आपको शेल्फ वॉश कर सकते हैं, ये निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। इसके अंदर शेल्फ जो है आप उसको बाहर निकाल भी सकते हैं बाई इजी, ऐसे शेल्फ बाहर आ जाएगी। इसके उसका साइज़ का, अगर जो आपने नीचे का साइज़ को उसको साइज़ बड़ा करना है तो एक शेल्फ आप हटा भी सकते हैं, हटा के ये साइज़ आपका बड़ा हो सकता है। बाकी आप नीचे एडजस्टमेंट जिस तरह का आपका साइज़ के हिसाब से करना चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। बाकी इसकी सेटिंग जो है सब बाहर से है। ये साइड डोर बिल्कुल सेंटर डोर में दिया हुआ है इन्होंने, वन टच सेटिंग है इसकी। फ्रीज़र की, डीप फ्रीज़र की, रेफ्रिजरेटर की सब सेटिंग है बाहर से है। इसका अलार्म इकोसिस्टम सब बाहर से है इसका। और बाकी इसकी ऑफिशियल वारंटी कार्ड आपके साथ इसके साथ आएगा। अगर आपने परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, parkref.com।